आप जल्दी सेटल हो जाइए प्लीज। पहले टाइम में सर्जरी कैसे लाते थे दिखा रहे सकते आपको ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। बताएंगे इसके अंदर क्या है और ये कोशिश कर रही है कुछ समझाने की आपको लड़की, बड़ा समझाओ क्या है। लाइन देखिए कितनी बड़ी लाइन हो चुकी है। गाइस वेलकम बैक टू फ्लाइंग टूर वाला और आज हम आए हैं नेहरू प्लैटिनम। नेहरू प्लैटिनम और यहाँ पे टिकट वैसे नॉर्मली डेज 80 रुपीज़ की होती है बट आज संडे है इसलिए आपको 100 रुपीज़ की टिकट पड़ेगी। तो इस ब्लॉग में आपको बताएंगे कि कैसे आए, कितने का टिकट पड़ा, क्या क्या इसके अंदर घूम सकते हैं हम, तो ये सारे को देखेंगे इस ब्लॉग के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। तो आओ घूमते हैं हमारे साथ इस वीडियो में नेहरू तारा में। और यहाँ की टिकट आपको पड़ेगी 100 रुपीज़ की संडे वाले दिन और बाकी डेज आपको पड़ेंगे 80 रुपीज़ की टिकट। हेलो दोस्तों, आज हम आपको दिल्ली में एक ऐसी जगह लेकर चलते हैं जहाँ जाकर ब्रह्मांड तारों सितारों और खगोलीय घटनाओं से जुड़ी जिज्ञासा को आप शांत कर सकते हैं, देख सकते हैं। भारत के अन्य शहरों के तारामंडलों की अपेक्षा इस तारामंडल के पास बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं है तो भी वह लोगों को इस रहस्य में दुनिया की झलक दिखाता है और आपके मन को शांत करता है। नेहरू तारामंडल का नज़दीकी मेट्रो स्टेशन येलो लाइन स्थित लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन है। इसके अलावा उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन से भी यहाँ नज़दीक पड़ता है। दोनों मेट्रो स्टेशन यहाँ से 3 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है। समय समय पर घटित होने वाले घटनाओं को जानने और देखने के लिए यहाँ प्रदर्शनी और कार्यक्रम किए जाते हैं। इस दौरान यहाँ लोगों को फ्री टेलीस्कोप की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ताकि वो खगोलीय घटनाओं को बारीकी से जान सके। तारामंडल की एंट्री टिकट बच्चों के लिए 70 रुपीज़ है। संडे यह टिकट 100 रुपीज़ को आपको मिलता है तथा तारामंडल मंगलवार से लेकर रविवार तक खुला रहता है और ये सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक खुला रहता है। सोमवार को तारामंडल बंद रहता है। ये तारामंडल का वो अंतरिक्ष मास्टर है जिसने आज तक जितने भी वीडियोस वगैरह बनते हैं जो भी बनता है सीरियल घूम तारामंडल मशीनों का सब कुछ इससे ही होता है। इस तारामंडल में सारी प्रोजेक्टर वगैरह इसी मशीन के द्वारा अंदर दिखाए जाएंगे जो कि अभी वीडियो में आगे दिखाएंगे। और ये तारामंडल का आप एक पॉसिबल कैंडिडेट देख सकते हो, आप किस तरीके से तारा मिलते हैं आपस में। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैं इसमें काम नहीं कर रहा। ऊपर ऊपर ले गया ग्रेविटेशनल फोर्स। अगेन देखते हैं एक बार, अब ईमान से करेंगे। मजा आ गया करके बहुत अच्छा लगा। इसको पानी डालना पड़ेगा ना। और ये डॉपलर इफेक्ट एक ग्लास में कवर है वरना इफेक्ट अलग ही होता। और ये कोशिश कर रही है कुछ समझाने की आपको लड़की, बड़ा समझाओ क्या है। खगोलीय घटनाएं, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स। अच्छा। नेहरू तारामंडल बनाने की शुरुआत 1982 में की गई थी और 1984 में इसमें पहला कार्यक्रम हुआ।
इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा 6 फरवरी 1984 को किया गया था। और इसमें बता सकते हैं लाइट से आप स्टोरी देख सकते हैं कि कौन सा गैस है, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन है, इनके बारे में देख सकते हैं सब गैसेस के बारे में। बट फिलहाल ये वर्क नहीं कर रहा सही से, इसलिए अपन आपको दिखाते हैं। टीवी काम नहीं कर रहा, सब खराब। और ये न्यूटन का रूल देख सकते हैं आप, न्यूटन के तीनों दूरदर्शी। और ये हमारे न्यूटन जी, रेट्रोग्रेड मोशन देख सकते हैं आप आज से मार्स का। और ये हमारा एक स्टूडेंट जो सब्सक्राइबर है हमारा, पहले टाइम में चरखड़ी कैसे चलाते थे दिखा रहे सकते हैं आपको, इस तरीके से पहले चरखड़ी चलाया जाता था। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये दिल्ली का जंतर मंतर, और ये साउंड के लिए तो इक्विपमेंट्स ही नहीं हमारे पास, और दिल्ली का जंतर मंतर। और ये सन के बारे में देख सकते हैं पूरा, अब शांतर देशांतर, ये पहले के टाइम के अक्षांश और देशांतर बना, नॉर्थ और वेस्ट देखने में देख सकते हैं। इसके अंदर तारामंडल आप ही देख सकते हैं, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा सॉरी। हमारे देश के फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और ये बच्चों को पुरस्कार देते हुए गिफ्ट वगैरह देते हुए आगे दिखाते हैं हमारे पास। वाट तारामंडल शो के लिए देखिए लाइन, देखिए कितनी बड़ी लाइन हो चुकी है। और इस तारामंडल में दे रखा है फर्स्ट पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के इन्वेंशन से लेके अब तक का सारा सिस्टम, ये रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री फर्स्ट पीएम। इन्होंने कैसे अपने लाइफ में अचीवमेंट किया, और ये आइंस्टाइन जी का फोटो लगा हुआ, अब हिमांशी बताएगी आपको, हिमांशी बताओ कौन है ये? पंडित जवाहरलाल नेहरू है जिन्हें हमारी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की। देख लो लड़के की इकोनॉमिक्स इतनी अच्छी हो रखी है, और इनकी पूरी फोटोस। ₹100 की टिकट में ही आपको यहाँ तारामंडल और अर्थ से जुड़े एक शो दिखाया जाता है जो कि काफ़ी प्यारा लगता है, और 3D टाइप का एक टाइप का ही शो दिखाया जाता है। शो स्टार्ट होने से पहले आप जल्दी सेटल हो जाइए प्लीज।
से वेदशाला के खगोल शास्त्रियों ने मघा तारे में एक विचित्र बात देखी। ये तारा सूर्य की तुलना में बहुत तेजी से अपनी दूरी पर घूमता है, 155 गुना तेज। सूर्य जो काम 28 दिन में पूरा करता है उसे उससे कहीं बड़ा ये तारा 4 घंटे से भी कम समय में कर डालता है। यदि ये तारा बस 10% और तेजी से घूम रहा होता तो ये बिखर कर चूर भी हो जाता, पर इसकी कोई संभावना नहीं है। ऐसा होने का खगोल शास्त्रियों को कोई कारण नजर नहीं आता। हमसे 60 प्रकाश वर्ष दूर ये तारा आकार में सूर्य से 45 गुना बड़ा है। इसका अर्थ हुआ इसके आयतन में 90,000 से अधिक सूर्य समा सकते हैं। यदि इसे उठाकर सूर्य के स्थान पर रख दे तो ये बुध ग्रह की दूरी के आधे तक फैल जाएगा और कल्लुद्ध तारामंडल में ये व्याग या सीरियस नाम का तारा आकाश का सबसे चमकीला तारा है। कोरी आंखों से बस दिखाई भर पड़ने वाले मंद तारों की इसकी चमक 900 गुना अधिक है। आकाश के केवल 4 अन्य पिंड चंद्र, सूर्य, शुक्र तथा बृहस्पति ही इससे अधिक चमकीले प्रतीत होते हैं। तारे हमसे इतना दूर हैं कि बड़ी से बड़ी दूरी से भी वे मात्र चमकीले बिंदु जैसे ही दिखाई देते हैं, बल्कि समांतर चलते हैं। तारामंडल बरकरार रहते हैं। सब तो नहीं, लेकिन बहुत सी खगोलीय घटनाएं इससे समझी जा सकती हैं। बहुत लंबे काल तक लिए गए कठिन परीक्षणों के बाद भी हम जान पाए कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, जिसकी ग्रह लगभग वृत्ताकार कक्षाओं की परिक्रमा करते हैं। उनके ग्रहों से मंडल के सदस्य इनमें से बहुत से सौर मंडल की बाहरी सीमा पर चलते हैं। दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं पर चलते हुए ये बड़ी तेजी से अंदर की ओर लौटते हैं। सूर्य का चक्कर लगा बाह्य सौर मंडल की ओर चले जाते हैं। सौर मंडल के केंद्र में स्थित सूर्य मात्र एक तारा है, उस विशाल तारक समूह का सदस्य जो ग्रहों से बहुत बहुत दूर है। उसे हम आकाश गंगा मानता के लिए समूचे सौर मंडल का अस्तित्व मात्र एक बिंदु से है।
बच्चों वो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता।